नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून की तो शक्ल ले ली, लेकिन इसके बाद से जिस तरह से देश भर में हिंसात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, उससे देश का माहौल खराब हो रहा है। पहले दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ, जो अभी तक थमा नहीं है। अभी भी कानून के खिलाफ जामिया के छात्रों का हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी। फिर उसके बाद अब पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उग्र रूप ले लिया। उपद्रव इस कदर फैलाया कि पुलिस को अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्योंकि लोग पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे थे और बसों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक सीलमपुर टी पॉइंट पर लोग एकत्रित हुए और दोपहर 12 बजे करीब कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीलमपुर से बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी जाफराबाद पहुंचे और वहां पर भी सरकार विरोधी नारे लगाने के साथ जमकर उपद्रव मचाया। पूर्वोत्तर दिल्ली में भी हालात इस कदर बेकाबू होते दिखे तो दिल्ली मेट्रो ने वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर, बदरपुर, सीलमपुर और गोकलपुरी मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। इन सभी स्टेशनों पर मेट्रो रुकेगी नहीं। सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों पर पुलिस दल को तैनात कर दिया गया। साथ ही प्रदर्शन वाली जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही। अब हालात तनावपूर्ण है तो हर जगह लोग ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया में मंगलवार को भी हल्के फुल्के प्रदर्शन देखने को मिले। विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुबह 10 बजे ही हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। बवाल के चलते कई छात्र अपने अपने घर जा चुके हैं। वहीं कई छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के वापस नहीं होने तक यूनिवर्सिटी में ही रुकने और अपने विरोध को जारी रखने का फैसला लिया। बता दें कि जामिया विश्वविद्यालय में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रविवार से शुरू होकर अभी तक थमा नहीं है। सोमवार को हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर पुलिस के विश्वविद्यालय के परिसर में घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले दागने का विरोध किया। छात्रों के मुताबिक मीडिया उनका पक्ष नहीं दिखा रहा है और पुलिस बिना विश्वविद्यालय प्रशासन के परमिशन लिए ऐसे कॉलेज परिसर में घुस आई और लाठीचार्ज करने लगी, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। CAA के विरोध प्रदर्शन के चलते पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। न जाने कितनी ही बसें आग के हवाले कर दी गई, कितने ही निजी वाहनों को आग के हवाले किया गया, पुलिस के भी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये हिंसा जब बढ़ती जा रही है तो पता नहीं कहां जाकर थमेगी। आखिर कहां जाकर शांत होगी CAA पर भड़की ये हिंसात्मक आग, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा।